बहुत दिनों के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ दोस्तों। लगा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिए 6 महीने हो चुका था। अब तक 6 महीने पी रहा हूँ कोका कोला। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज दिन है संडे और मैं आया हूँ अभी चिकन लेने के लिए। एक्चुअली आज संडे है तो मैं चीट मिल करता हूँ, बट आज चीट मिल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्राइडे को चीट मिल कर चुका हूँ और जिम अपसेंड कर चुका हूँ। तो आज मॉर्निंग में जिम भी गया था और चीट मिल भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी चिकन लेने के लिए आया हूँ चिकन दुकान पे। और मेरे पीछे है ये चिकन का दुकान जहाँ से मैं चिकन ले रहा हूँ। आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा प्यारा, काफ़ी खूबसूरत, ये स्मार्ट सिटी है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. The love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Smart city got left. चिकन कट रहा है अभी और इधर ये बॉयलर है और ये देसी है, ये देसी मुर्गा मुर्गी है और ये बॉयलर पम्प। तो अभी मैं चिकन ले चुका हूँ और आज थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी लेता हूँ। ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीना मना है, डाइट में नहीं है, लेकिन आज संडे है थोड़ा पी लेता हूँ क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, इसलिए मना हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पीना, लेकिन संडे के संडे थोड़ा पी लेता हूँ। भाभी भी बोल रहे हैं उनको पीने का दिल है। बहुत दिनों के बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ दोस्तों। लगा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिए 6 महीने हो चुका था। अब तक 6 महीने पी रहा हूँ कोका कोला। और मेरे गुरु जी को पता नहीं है मैं कोका कोला पी रहा हूँ, शायद ये वो वीडियो देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है मैं एडिट में इसको कट कर दूँ। कोई भी गुरु नहीं चाहता तो उनका जो स्टूडेंट है वो चीट करे और रिजल्ट बेटर ना आए कॉम्पिटिशन में, इसलिए हो सकता है मैं एडिट कर दूँ। परमिशन लूँगा गुरु जी से कि डाल सकता हूँ कि नहीं अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो होम फिट है भुवनेश्वर का। भाभी फंटा दे रही है अपने लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम के इधर, ये मेरे घर का बगल का पार्क है। पार्क का नाम क्या है भाभी? दुर्गा पार्क ना? हाँ, इस पार्क का नाम है दुर्गा पार्क। ये हमारे रूम के बगल में है बिल्कुल, और इसमें दुर्गा पूजा का प्रोग्राम कुछ चल रहा है, साथ भी है इधर शायद। शांत एरिया है और यहाँ पे ऐसा कभी झगड़ा नहीं होता, मार झगड़ा कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता तो मीटिंग करके मैनेज कर लेते, पुलिस के पास केस नहीं जाता अधिकतर। तो आप देख सकते हो गूगल में भी क्राइम रेट, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर का क्राइम रेट आप चेक कर सकते हो, काफ़ी कम है। और यहाँ के लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत। अभी मैं जा रहा हूँ घर के इधर, अपने बिल्डिंग में पहुँच चुका हूँ मैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। सेकेंड फ्लोर पे मेरा रूम है
तो अभी मैं अपने छत पे हूँ और अपने छत से यहाँ का व्यूज देख सकते हो। चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर का चंद्रशेखरपुर एक विलेज है, मैं इधर ही रहता हूँ। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग स्टैंडिंग करता हूँ यहीं पे और फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।